ये देखो ये अकेली हीरोइन की तरह है यार हां तुम भी की हीरोइन नहीं अरे आप पता ही नहीं प्रीमियर क्या सही लग रही है वो यहां से आ रही है व्हाट फंक्शन से आ रही है कोई बात नहीं थोड़ा इसके साथ फिल्म में भी अकेली इसको ही मेकअप दिया है अरे क्यों मेरे को डिस कर दिया तुमने मैं सोच रही हमारी इज्जत अफजाई हो रही है आई एम गुड Thank you, ma'am. Tea, coffee, coke. Thank you. साथ में फायरब्रांड एक ऐसी औरत की कहानी है जो इतना ट्रॉमा से गुजर के भी कैसे खड़ी हो जाती है तो लॉट ऑफ हमारे देश में बहुत लोग हैं दुनिया में बहुत लोग हैं जो सेक्सुअली अब्यूज है तो कैसे ज़िंदगी नॉर्मली लोग डिस्कस करते हैं लीगल एंगल या फिर पनिशमेंट फॉर द परपेट्रेटर बट हम लोगों ने ये हैंडल किया है ये इशू हैंडल किया है वो कैसे नॉर्मल होके मेन स्ट्रीम में आ सकती है कैसे वो पास को कंप्लीट करके क्लोजर पा सकती है एंड बी लाइक एवरीबडी एल्स मुझे लगा दिस वॉज ये कहानी सक्सेस स्टोरी का है मैं मानूंगी सक्सेस स्टोरी है कर बुलंद खुद को इतना दैट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ द मूवी कि आप मारो मत मरो मत हारो मत अपने को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई आपसे टक्कर लेने कोई घबराए चलो
अच्छी बातें बुरी बातें सबके लाइफ में आती है, पर लेट दैट नॉट डिक्टेट योर फ्यूचर. जो बीत गई सो बात गई, ख़त्म पीछे, है ना. उसको अपना स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ो. ये हमारी कहानी है और मेरे ख्याल आज के डेट पे सारे वर्ल्ड में ये बिल्कुल लाजमी है और रेलेवेंट है. हर लड़की को किसी किसी स्टेज पे ऐसा गुजरना ही पड़ता है, किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को थोड़ा कम, पर है ही. ये मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है ये स्टोरी. और हमारी प्रोटैगनिस्ट जो है वो इतना इतने ठंडे दिमाग से की है ये परफॉर्मेंस. और ये सब अरुणा जी का रिस्ट्रेन, डायरेक्शन एंड टैलेंट, बस मैं सिर्फ कहूँगी ये टैलेंट से भरा है. कई कुछ सालों से इतने रेप्स हुए थे, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी. और मैं लाइफ कोच भी हूँ, फिल्में भी बनाती हूँ, लाइफ कोच भी हूँ. तो मैंने काफ़ी लोगों को कोच किया था कि ऐसे ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलना. तो मैंने सोचा ये क्यों ना फिल्म बनाए कि ये दुनिया को ये मैसेज मिलेगी कि क्या हम कर सकते हैं, कहाँ खड़ा हो सकते हैं, तो वापस टू गेट बैक इन टू योर नॉर्मल दिस थिंग. सो इसलिए मैंने ये आया. और इन्होंने इतनी खूबसूरती से उन्होंने कहा अभी कि दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ रियली क्रिएटिंग अ न्यू फ्यूचर. सो वो पॉस मुमकिन है, जो नामुमकिन लगता है वो मुमकिन है. मुझे लगता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंटेंट कोई नहीं लेते, उनके स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई है. तो मुझे लगता है हम लोगों ने जो फिल्म बनाया है वो उस स्टैंडर्ड को मीट कर गया. नंबर वन, स्टोरी हमारा ऑथेंटिक है, जेन्युइन है और वर्ल्ड क्लास कैलिबर का है, इसलिए वो फिर एक्सेप्ट हो गया. तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वी हैव बीन एबल टू फाइंड अ मोती इन द समंदर एंड इतनी बढ़िया फिल्म हम बनाए जो कि कई अच्छे अच्छे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है. स्टोरी वाइज, प्रोडक्शन वाइज, डायरेक्शन वाइज, हमारी परफॉर्मेंसेस. तो वी आर वेरी हैप्पी कि फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ने एक रीजनल फिल्म को लिया है और वो अरुणा जी का फायर ब्रांड है. वी आर वेरी हैप्पी. मस्त, देखो ना ऐसे स्माइल करती रहती. नहीं, हमारा पहले तो कुछ नहीं था, बिल्कुल अनजान थे, लाइक यू नो वी वर लाइक स्ट्रेंजर्स, बट समथिंग क्लिक्ड. और इतना प्यार महसूस मैं करती हूँ, ये हमेशा यू नो व्हेन आई लुक एट हर शी इज जस्ट लव. सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा. और बहुत हम लोग साथ में होते तो एक दूसरे के साथ स्माइली करते रहते. वी क्लिक वेरी वेल एंड आई कुड अंडरस्टैंड हर. और ये जैसे बिहेव करती हैं, बहुत जेंटिल लेडी हैं, कोई इसके अंदर मुझे खोट कपट नहीं दिखा. जो दिल में है वो ज़बान पे है, वही सामने है. ऐसे लोग के साथ सहजता मेंटेन करना इजी भी है और मैं चाहती हूँ कि ये मुझे फ्रेंड समझे. अरुणा जी आप बताओ. आप पिक्चर देखिए, बार बार देखिए, गेट इंस्पायर्ड, उतना ही मैं कहूँगी. ये फिल्म में कई लेयर्स हैं और कई कुछ हैं जो एकदम से पहली बार आपको लगे अरे ये क्या कर दिया, लेकिन जब आप सोचेंगे उसके बारे और दोबारा देखेंगे तो आपको लगे ये बिल्कुल सही किया. बस मैं चाहती हूँ कि सारी ऑडियंस देखे, अपने अंदर भी देखे और हमारी फिल्म को भी देखे और समझे कि हम कितने अच्छे से आपको प्रोजेक्ट करके बता रहे हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक जा सकती हैं जस्ट बाय ओवरकमिंग योर फियर. डरनी थैंक यू. चाबी छोड़ के जा रहे हो. सो फायर ब्रांड के बारे में जानना चाहिए, किस तरीके का किरदार निभाने वाली है आप दोनों इस पर्टिकुलर मूवी में, उसके बारे में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है जो फायर ब्रांड है वो बोलेंगी.